क्या तुम्हें लगता है कि जो बंदा पृथ्वीराज चौहान जैसे ग्रेट कैरेक्टर को अपने मामूली एक्टिंग से पूरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देता है, क्या वो बंदा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले करने लायक भी है क्या? क्योंकि पब्लिक का मानना है कि अक्षय कुमार इस कैरेक्टर को डिजर्व नहीं करते। और रिसेंटली अक्षय कुमार की डेब्यू मराठी मूवी वेडात मराठे वीर दौड़ले 7 का ग्रैंड अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें खिलाड़ी कुमार श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या ये बंदा इतने लेजेंड कैरेक्टर को जस्टिस दे पाएगा? अब देखो, यहाँ पे अक्षय कुमार 5G की स्पीड से क्यों काम करता है, इसका मैं रबड़ी रोना तो बिल्कुल नहीं रोने वाला। और ये बंदा इतना स्ट्रांग है कि किसी के चीखने चिल्लाने से इसके कान में जू तक नहीं रेंगती। पर जब यहाँ पे बात आती है इंडिया के ग्लोरियस हिस्ट्री की और उन वॉरियर्स के जिनके सेक्रीफाइस की वैल्यू इन्फिनिटी से भी ज्यादा है, तो इन वॉरियर्स के ऊपर जब भी मूवीज बनती है तो ये कैरेक्टर डिजर्व करते हैं यार। इन कैरेक्टर को कोई ऐसा बंदा प्ले करे जिसके रॉयल एक्टिंग को देख के ऐसा फील हो के सामने साक्षात श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन हो गए हो। और इस तरह की मेथड एक्टिंग करने के लिए ना भाई टाइम देना पड़ता है कैरेक्टर को, एकदम समंदर से गहरे डीप लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है, तब कहीं जाके छत्रपति राजे का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। और इस चीज के लिए ना भैया अक्षय कुमार के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऊपर से ये मूवी मराठी पैन इंडिया मूवी होगी, यानी अक्षय कुमार के मूवी के ओरिजिनल डायलॉग्स भी मराठी के होंगे। अब लॉन्च के टाइम पे बंदे ने छाती ठोक के कहा था कि अपनी जान लगा दूंगा, पर मेरे GBF के वीरो, क्या तुम्हें लगता है ये बंदा सच बोल रहा है? सांगितलं तर मला वाटत नाही की अक्षय कुमार हे लेजेंड कॅरेक्टर प्ले करू शकते। हालांकि छत्रपती शिवाजी महाराज का अक्षय कुमार का लुक काफी प्रॉमिनेंट लगता है, पर फटा पोस्टर पर्दे पे चलने वाली मूवी की जगह तो नहीं ले सकता, क्योंकि अक्षय कुमार ने ना इतने अल्ट्रा लेवल के टट्टी मूवीज के अंदर काम किया है। उन मूवीज के भौकाल से भरे नाम सुनकर अगर तुम उन्हें देखने बैठ जाती हो तो अपना सर फोड़ लोगे। जा रहा हूं। बच्चे की जान लेगा क्या? जा रहा हूं। अब देखो, वेडात मराठे वीर दौड़ले 7 मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बिग बजट मूवी होने वाली है। तो मेरे हिसाब से महेश मांजरेकर जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, वो अक्षय कुमार को इसलिए कास्ट किया क्योंकि इस मूवी को पैन इंडिया लेवल के हाइप मिल सके और ऑडियंस अक्षय कुमार के नाम से टिकट फाड़ सके। नहीं तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक से बढ़कर एक बैडएस थिएटर लेवल के एक्टर्स है जो राजे के कैरेक्टर को अपने प्लेज में प्ले करते करते लेजेंड हो चुके हैं। फिर भी मेकर्स ने टैलेंट को छोड़कर पावर को चुना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार को एक्टिंग नहीं आती, यानी देखा जाए तो अक्षय कुमार जिस लेवल की एक्टिंग करते हैं उसके आसपास भी कोई नहीं भटक सकता, पर जिस स्पीड के साथ ये बंदा काम करता है उसके पास उतना टाइम नहीं है। घंटों तक कमरे में बंद होके अपने आप को कैरेक्टर में ढाले या कैरेक्टर की हिस्ट्री को समझने के लिए पूरे किताबों को छान डाले, यानी मुद्दा मामला ऐसा है कि अक्षय कुमार कितना भी अल्ट्रा लेजेंड कैरेक्टर प्ले कर ले, यानी वो एक्टिंग देख के हमें पता चल जाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बल्कि अपने खिलाड़ी कुमार है। तुम ही बताओ यार, अक्षय कुमार की मूवीज को देखते समय तुम्हें कैसा फील होता है, या फिर मेरे ही दिमाग के अंदर केमिकल लोचा है? 25 रुपए के गोल गप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे। तो फाइनली यही कहूंगा कि अक्षय कुमार अब रिमेक बनाने के बजाय फ्रेश कंटेंट पे ध्यान दे रहा है और रीजनल इंडस्ट्री का बड़ा पार्ट बनकर उन सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है। पर इससे बढ़कर इस बंदे को ये भी ध्यान देना होगा कि फ्यूचर में ये बंदा जो भी कैरेक्टर प्ले करने वाला है, स्पेशली वो जो हमारे हिस्ट्री और ग्रेट वॉरियर से जुड़े हो, तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के उस हिस्टोरिकल इवेंट और कैरेक्टर की पूरी तरह से स्टडी कर साइकोलॉजिकली उनके इमोशन और मॉरल्स के साथ जुड़कर अक्षय कुमार तब राजे के कैरेक्टर को प्ले करेंगे तो किस लेवल की धार आएंगी। कहने का मतलब ये है कि अक्षय कुमार के एक्टिंग में वजन नजर आएगा, पर ये तब पॉसिबल होगा ना जब अक्षय कुमार इस कैरेक्टर के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर सके, नहीं तो हमारी क्या मजाल जो इतने बड़े सुपरस्टार को ये कह सके कि ये बंदा ये कैरेक्टर डिजर्व नहीं करता। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। इसके अलावा बातें शिकायत करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।